वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्काई क्रिप्टो की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको FEG टोकन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। एक तो इसके होल्डर्स के हवाले से हैं और दूसरी अपडेट जो है वो बहुत ही खास है कि जो इसकी बर्निंग हुई है रिसेंट टाइम में ही। तो फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में आप FEG की करंट प्राइस देखते हैं तो 0 के बाद 8 जीरोज हैं, फिर 5, 1, 2, 4। ठीक है, ये FEG कॉइन की जो है वो करंट प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद हूँ और इसकी जो प्राइस है वो 5.35% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन कल जो था यहाँ पे 7 तक जो है इसकी प्राइस चली गई थी। ठीक है, और मेरे पास जो थे तकरीबन हाईएस्ट जो गए थे $48 तक मेरे पास FEG टोकन गए थे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा डंप आया है क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी सारी गिर चुकी है। तो चलते हैं सबसे पहली अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 घंटे पहले FEG ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि FEG हैज़ सुपर पास 1 मिलियन होल्डर्स। ठीक है, कि FEG के जो हैं वो 1 मिलियन होल्डर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। ठीक है, FEG जो है 1 मिलियन होल्डर्स को कब का क्रॉस कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ अपना ऐसे लोगो भी यहाँ पे बना रखे हैं और किसी भी टोकन के लिए, किसी इवन किसी मीम टोकन के लिए ये बहुत ही स्पेशल बात होती है कि उसके 1 मिलियन होल्डर्स हो जाएं। अभी बेबी डोजी के जो है वो करंट 14 मिलियन होल्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसके हैं, शिबा के हैं, सिर्फ इन तीन मीम कॉइन्स के ही जो हैं वो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अदरवाइज़ किशू इनू के भी 2 लाख हैं। ठीक है, सातामा इनू के भी इतने ही हैं, सिर्फ 4-5 लाख तक। बाकी ये जो 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं ये बहुत ही खास हैं जिनके होल्डर्स इतने हो चुके हैं। ठीक है, और अपडेट नंबर 2 जो FEG के हवाले से बहुत ही हैरान कन अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 घंटे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर घंटे में जो है FEG की बर्निंग होती रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 घंटे पहले इसके $4,665 वर्थ के टोकन जो हैं वो बर्न किए गए हैं। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे में। और फ्रेंड्स, ये टोकन कितने बनते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, 739 बिलियन टोकन जो हैं FEG के, 739 बिलियन टोकन जो हैं वो एक ही घंटे में इनके बर्न किए गए हैं। अगर मैं आपको इनकी बर्निंग की यहाँ पे डिटेल दिखाऊं तो नीचे आप देख सकते हैं कि तो 24 मिनट पहले, ठीक है, इनकी बर्निंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $932 के टोकन जो है वो बर्न किए गए हैं। ठीक है, फिर उससे पिछले वाले घंटे में $221 के टोकन बर्न किए गए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं $918 के टोकन बर्न किए गए हैं। इतनी बर्निंग जो है वो किसी भी कॉइन में नहीं होती, किसी भी मीम कॉइन में नहीं होती इतनी बर्निंग जितनी FEG में हो रही है। 3 घंटा पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं $2,266 वर्थ के जो टोकन है FEG के वो बर्न किए गए हैं। इसके बाद 4 घंटे पहले यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, 5 घंटे पहले में भी इसकी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बर्न की गई है। यहाँ पे $2,950 के टोकन बर्न किए गए हैं। उसके पहले यहाँ पे $3,122 वर्थ के टोकन जो हैं वो बर्न किए गए। इतनी बड़ी अमाउंट में जो है FEG के टोकन जो हैं वो बर्न हो रहे हैं हर घंटे में। तो अभी आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी FEG का स्मार्ट DeFi सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं हुआ। आज 12 फरवरी है, ठीक है, 15 को इनका लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके बाद इसकी बर्निंग जो होगी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही किसी मीम टोकन्स की या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसीज की बर्निंग ज़्यादा होती है, उसकी टोटल सप्लाई कम होती है, उतनी ही उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ FEG के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की FEG की या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसीज की अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें।